देखिए सर, एक काउंटर है महाराष्ट्र बैंक, जिसके कल नतीजे आए थे। नतीजों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका 4 गुना बढ़ा, 200 करोड़ से बढ़कर करीब 800 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ। और टैक्स ज्यादा पे करा था, कुछ डेफर्ड टैक्स और बहुत सारी चीजें होती है उसमें इंक्लूडेड, तो उसको देने के बावजूद भी मुनाफा जो था बैंक का वो डबल हो गया। तो जो पीबीटी था वो 4 गुना और मुनाफा जो था वो करीब 2 गुना हो गया। एनपीएस कम हो गए, जो कि अच्छा संकेत है। मतलब जितने भी मैंने बैंक्स देखे हैं सर, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, सभी में एक प्रॉब्लम रही है कि अगर आ, आ, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्सिस क्यों गिरा, बजाज फाइनेंस क्यों गिरा, एचडीएफसी क्यों गिरा। उसका एक सिंपल सा आंसर है कि हर कोई पता नहीं क्यों ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं कि ज्यादातर ये लिख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, सब कुछ आए हैं, लेकिन जब रिएक्शन देख रहे हैं काउंटर पर तो वो अगले दिन 2-3-4% गिर रहा है। और एक्चुअल पिक्चर ये है कि जो एनआईआई ग्रोथ है वो नहीं आ रही है क्यू एम क्यू बेसिस पर ज्यादातर बैंक्स की। आप एक्सिस बैंक की कल एनआईआई ग्रोथ देखें तो वो भी ठीक नहीं थी। आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, एचडीएफसी के साथ भी प्रॉब्लम थी। उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, इसीलिए सारे प्राइवेट बैंक्स पिटे हैं। लेकिन महाराष्ट्र बैंक एकमात्र ऐसा बैंक रहा जो मेरे रिजल्ट कवरेज लिस्ट में था, जिसकी एनआईआई ग्रोथ मुझे पॉजिटिव देखने को मिली। तो ये एक अच्छी चीज है महाराष्ट्र बैंक के साथ, जिन्होंने लिया है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है महाराष्ट्र बैंक पे, राय ठीक है।